गाइस नेक्सॉन फेसलिफ्ट की प्राइसिंग का हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे एंड आज फाइनली 14 सितंबर को टाटा ने इसकी प्राइसिंग रिवील कर दी है। और आज की वीडियो में आपको इसके सारे वेरिएंट की प्राइसिंग बताने वाला हूँ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं इसके 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के प्राइसिंग के साथ। तो पेट्रोल इंजन में जो बेस वेरियंट आपको कॉस्ट करेगा विच इज स्मार्ट, वो आपको कॉस्ट करेगा 8,09,990 एक्स शोरूम। वहीं बात करें इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 9,09,990। एंड वहीं बात करें प्योर की, तो प्योर आपको कॉस्ट करेगा 9,69,990। और वहीं बात करें हम क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव आपको कॉस्ट करेगा 10,99,990। एंड क्रिएटिव प्लस के लिए आपको देने होंगे 11,69,990। वहीं इसके टॉप मॉडल की अगर हम बात करें तो फियरलेस आपको कॉस्ट करने वाला है 12,49,990। एंड फियरलेस प्लस के लिए आपको देने पड़ेंगे 12,99,990। सो गाइस ये तो बात रही इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की। अगर बात करें इसके 1.2 लीटर पेट्रोल एएमटी वर्जन के लिए, तो एएमटी वर्जन आपका स्टार्ट होता है 11,69,990 से। एंड वहीं आपका 1.2 लीटर डीसीए स्टार्ट होता है 12,19,990। DCA के अंदर आपको क्रिएटिव एंड फेयरलेस दो वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है। एंड वही बात करूं इसके 1.2 लीटर AMT ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको ओनली क्रिएटिव वेरिएंट का ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं एंड आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं यार ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अब बात करते हैं इसके डीजल वेरिएंट की, तो इसके 1.5 लीटर डीजल मैनुअल के प्राइस स्टार्ट होते हैं 10,99,990। एंड इसमें आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, प्योर, क्रिएटिव एंड फेयरलेस। एंड वहीं बात करें इसके 1.5 लीटर डीजल एएमटी की, तो ये स्टार्ट होगा 12,99,990। एंड इसमें आपको दो वेरियंट मिलेंगे, क्रिएटिव एंड फेयरलेस। सो गाइस टाटा ने इस बार नेक्सॉन को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ मार्केट में उतारा है, एंड देखते हैं कि ये कार कितना बड़ा कंपटीशन हो जाती है इस सेगमेंट की बाकी कारों की। वैसे आपको इस कार की प्राइसिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड बहुत ही जल्द हम इसके डिटेल्ड वॉक एंड ऑन वीडियो एंड ड्राइव रिव्यू इस चैनल में आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा किसी और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ।